से बाहर की तरफ आएंगे आपको ये छोटा सा मार्केट दिख जाएगा जहाँ से आप कुछ खरीद सकते हो अगर आप यहाँ पे आते हो तो। फाइनली हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं जिसको एक पवित्र स्थल माना जाता है। ये वही प्लेस है जहाँ पे बुद्ध भगवान ने अपने 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया था। हम आपको इसके बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये वही टेम्पल है। मैं आपको आगे बढ़ता हूँ और सारे दिखाता रहूँगा। आप दोस्तों देख सकते हैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउडी एरिया है, बहुत ज़्यादा रश है। बट अगर इस टाइम अगर कोविड न फैला होता तो भाई सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा रश वाला प्लेस है ये। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है, इस टाइम तो कम है। आप ये टेम्पल देख सकते हैं। अब हम टेम्पल में अंदर की तरफ बढ़ेंगे और आपको सारा एक्सप्लोर करते चलेंगे। अंदर की तरफ हम बढ़ेंगे, यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड है आप देख सकते हैं, और फिर यहाँ पे एक वेलकम बोर्ड है। आपको फ़ोन अंदर की तरफ जब जाएंगे तो फ्लाइट मोड पे डाल देना है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ये बेल है ऊपर की तरफ, बट इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी करते हैं तो वहाँ पे 4 या 10 रुपीस अगर आपको करना हो तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं अंदर ये टेम्पल में जो मूर्ति है। अंदर जाना अलाउड नहीं है गाइस, तो हम बाहर से ही करेंगे। तो मैं आपको यहीं से जूम करके अंदर की सारी व्यू दिखा सकता हूँ। इस टाइम हम लोग फ्रंट पे हैं बिल्कुल, जहाँ से अंदर की साइड जा सकते हैं हम। बट अभी जब से ये कोविड फैला हुआ है उसके बाद से यहाँ पे अंदर जाना अलाउड ही नहीं है। हम लोग साइड से ही यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ये वही प्लेस है जहाँ पे पहली बार उपदेश दिए थे बुद्ध जी और उनके शिष्य जो 5 थे, उसी के हिसाब से इसको बना दिया गया है। और कोविड के बाद से यहाँ पे अंदर जाना मना कर दिया गया, आप देख सकते हैं। और जस्ट ही बगल में आपको दिख सकता है एक अमेजिंग सा व्यू। थोड़ी आगे की साइड बढ़ते हैं तो यहाँ पर सारी हिस्ट्री, सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। और ये वही पेड़ भी है जिसको आज मान्यता है, जिसके नीचे बैठ के पहली बार उपदेश दिया गया था। और ये एक स्टैचू बनाया गया है जो कि गौतम बुद्ध भगवान का और उनके शिष्यों का है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। तब यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ निकलेंगे, बट बाहर की तरफ निकलने से पहले हमें कुछ अच्छी चीज़ दिखी जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बेल है जिसको शायद बजाना तो पॉसिबल नहीं, बट मैं उसके करीब तक लेके जा सकता हूँ। मैं आपको और करीब से दिखा देता हूँ, बट अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से अब हम बाहर की तरफ निकले, तो यहाँ से अब हम लोग बाहर की तरफ निकलेंगे।
अब सारनाथ में देखते हैं, अगर और कुछ भी एक्सप्लोर करने लायक रहेगा तो हम उसे एक्सप्लोर करेंगे, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। यहाँ से आप देख सकते हो भाई, व्यू बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी खूबसूरती है। पीछे के साइड अब हम लोग चलेंगे। गाइस, टेंपल के जस्ट पीछे एक छोटा सा गार्डन टाइप है जिसे आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, और अगर ये कोविड ना होता तो काफ़ी और ज़्यादा ही हो जाता। अगर आपको फ़ोटो वोटो क्लिक करानी हो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा। तो गाइस, ये जो रास्ता है जस्ट टेंपल के पीछे, ये रास्ता आता है, आपको दिखा देता हूँ। ये रास्ता आपको मिनी जू में ले जाता है। अभी टाइम ऐसा हो चुका है कि मैं जू में नहीं जाऊंगा। मिनी जू सारनाथ में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। व्यू जो जू के बाहर से मैंने स्पॉट कर लिया है और आपको दिखा रहे हैं, ये छोटी सी नदी टाइप की है जिसमें पानी मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों से आया नहीं है। और फिर अंदर की साइड आपको यहाँ से जो दिख सकता है, पानी में कलरफुल फिश हैं जिनको आप देख सकते हैं। स्टैचू देख रहे हैं, ये स्टैचू जो फाउंडर ऑफ महाबुद्ध सोसाइटी किए थे, सोसाइटी को जिन्होंने फाउंड किया था ये उनकी है। ये ऑब्वियसली कोलंबो से बिलोंग करते थे और इनकी डेथ जो हो गई थी अप्रैल 29, 1933 को। गाइस, फाइनली मैंने सारे प्लेस जो इस टेम्पल के अंदर थे मैंने एक्सप्लोर कर दिए हैं, और होप करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो गाइस, आपका काम क्या है ये तो आपको पता ही है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर करना तो अपने दोस्त के संग भूलें ही ना। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।